नमस्ते बच्चों, मैं शकुंतला टीचर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम हिंदी की क्लास में अगला स्वर सीखने जा रहे हैं, और ये अगला स्वर है री। री, और जैसे आप देख रहे हो, मैंने इस बोर्ड पर कुछ तस्वीरें बनाई हैं। ओके, तो ये तस्वीरें हैं एक नन्ही मुन्ही लड़की की जिसका नाम है रीता। क्या नाम है इसका? रीता। और एक ऋषिराज है यहाँ पर। ये कौन है? एक ऋषिराज। और एक ऋषभ की फोटो तस्वीर बनाई है मैंने, ठीक है। तो हम एक नन्ही मुन्नी रीता की कहानी कहते हैं आपसे। तो चलो शुरू करते हैं। यह लड़की है नन्ही मुन्नी रीता, और ये आश्रम में गई। धीरे 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 जाकर ऋषिराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद इसने पूछा, ऋषिराज ऋषिराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे कितने ऋतु हैं? ऋषिराज ने कहा, हाँ बच्चों, मैं तो बता सकता हूँ तुमको, लेकिन बदले में आप मेरे लिए क्या करोगी? ऋषिराज, जो आप कहें मैं वही करूंगी। ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ। चलो तो ऐसे करो बच्ची, आप वहां से थोड़ी सी घास ले लो गौशाला से, और ऋषभ को जाके खिला दो। किसको खिला दो? ऋषभ को। तो नन्ही मुन्नी रीता गौशाला जाकर घास उठाकर ऋषभ को खिलाकर वापस आ जाती है। ऋषिराज ऋषिराज, मैंने तो घास खिला दी, अब आप मुझे बताइए हमारे कितने ऋतु हैं? हाँ बेटा, हमारे तीन ऋतु हैं। कितने ऋतु हैं? तीन ऋतु। पहला ऋतु है शीत ऋतु। कौन सा? शीत ऋतु। इसका मतलब है सर्दी। ओके, विंटर सीजन। ऑलराइट। दूसरा ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी के गर्मी का मौसम, छुट्टियां। बिल्कुल, गर्मी का मौसम, समर वेकेशन। यस, समर हॉलीडेज, ग्रीष्म ऋतु। और तीसरा ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यानी कि बारिश, जबकि मोर पंख खोलकर नाचते हैं। हाँ, तो वर्षा ऋतु यानी के मॉनसून। ऑलराइट, तो ऋषिराज ने कहा, रीता बेटा, आपको यह समझ आया कि हमारे कितने ऋतु हैं? रीता कहती है, जी ऋषिराज, मुझे समझ में आ गया, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर जा रही हूँ। और वो सीधा घर चली गई। ठीक है बच्चों, तो हमने री स्वर से कितने शब्द सीखे? एक हमने सीखा ऋषि, दूसरा ऋषिराज, तीसरा ऋषभ, चौथा शीत ऋतु, पांचवा ग्रीष्म ऋतु, छठा वर्षा ऋतु। और बच्चों, री स्वर से बहुत सारे और शब्द बन सकते हैं, तो यह आपका गृह कार्य है। आप इस लिस्ट को इतना बड़ा बना दीजिए ताकि आपको सारे शब्द मालूम हो जाएं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम री अक्षर, री स्वर
स्वर लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप तैयार हो? ठीक है, तो उठाओ अपनी पेंसिल। तो चलो फिर हम लिखते हैं अपना अगला स्वर, और उसके पहले हम एक पुनराभ्यास कर लेते हैं। हमने लिखा है अ आ ई ई उ उ, और आज हम लिखने जा रहे हैं रू। तो चलिए हम पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है, एक सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे, और यहाँ पर बड़ी बड़ी सी ऐसे सीधी रेखा खींच ली हमने। फिर हम इस रेखा के बीच में ऐसे करके इस तरफ और इस तरफ ऐसे, और फिर रेखा की उस तरफ ऐसे जाएंगे सीधा, ऊपर की तरफ से गोल घुमा के नीचे आएंगे ऐसे, और इसको एक ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर ऊपर से हम इसको टोपी पहना देंगे। ये हो गया हमारा रू स्वर। तो चलो अब हम इन रेखाओं के बीच लिखते हैं। तो हमने ये सीधी रेखा खींच ली, पहली नीली रेखा से लेके तीसरी नीली रेखा तक। फिर हमने अपनी पेंसिल इस दूसरी नीली रेखा पर रख कर उल्टे हाथ की तरफ ऐसे कर दिया, और वापस वहां रख कर ऐसे नीचे की तरफ कर दिया। फिर हम वापस बीच वाली रेखा के वहां पहुंच कर ऊपर की तरफ जाएंगे सीधे हाथ की तरफ, ऐसे जाकर उसको ऊपर गोला करके नीचे आ जाएंगे सीधी रेखा, और एक छोटा सा आधा गोला करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रू स्वर। ऊपर से हम टोपी पहना देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रू स्वर का लिखना, ठीक है बच्चों। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, और फिर हम अपने अगले स्वर के लिए मिलेंगे बहुत जल्द। अंटिल देन आप सुरक्षित रहिए घर पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।